हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई उन फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करते हैं जो कि काफ़ी कम अमाउंट में निकलती हैं, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं चल पाता है और वो उन फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये जो वैकेंसी निकली हुई है फार्मासिस्ट की, ये स्टेट लेवल पर निकली हुई है या फिर सेंट्रल लेवल पर निकली हुई है। तो और इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर 32 पोस्ट निकली हुई हैं, 32 पोस्ट निकली हुई हैं जो कि असम राइफल में निकली हुई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट रहने वाली हैं ये। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जो सेंट्रल लेवल की जो पोस्ट निकलती हैं उनके लिए आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। आप किसी भी स्टेट में एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट रहने वाली हैं। इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको इस पेज के इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाके इस लिंक पर क्लिक करके ये पेज ओपन कर सकते हैं और आप इसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं इजीली। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो वही 32 रहने वाली हैं। अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग पोस्ट रहने वाली हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। सिंपल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात कर लें तो डिग्री और डिप्लोमा आपके पास में अगर कोई भी है और जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, या डिग्री हो या डिप्लोमा हो फार्मेसी में, बट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लें तो 20 से 25 साल यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है। रिलैक्सेशन की बात कर लें, एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलने वाला है ओबीसी और एसटी कैंडिडेट को। यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट को मिलने वाला है 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी को मिलने वाला है 3 ईयर का रिलैक्सेशन, और बाकी के ये एक्स सर्विसमैन के लिए ये एज का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है। मैं इस पेज की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाके लिंक पर क्लिक करके ये पेज को ओपन करके आप इसके सारे रूल्स रेगुलेशन ये यहाँ पर जो मेंशन हो रखे हैं इनको एक बारी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पर आगे अगर बात कर लें तो सिंपल इसकी जो किस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे, किस तरीके से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अगर इसके लिए अगर हम बात करें तो सीधे स्क्रॉल डाउन करते हुए जब आप नीचे की तरफ जाओगे, ये पेज ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ जाओगे तो ऑनलाइन अप्लाई लिखा है, अप्लाई ऑनलाइन जो लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने से इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आप पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल है, देखो यहाँ पर इन्होंने मैंने जूम इन कर लिया है, असम राइफल टेक्निकल जो लिखा है ये सेलेक्टेड हो ही रखा है। मेल फीमेल आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, डोमिसाइल आप जिस भी स्टेट से हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। देन यहाँ पर हम यूपी सेलेक्ट करते हैं, यूपी सेलेक्ट करने के बाद में ये यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको देखो सेकंड लास्ट जो लिखा है पेरेंट ऑफिसर फार्मासिस्ट, इसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमने क्लिक कर दिया है। आगे आप यहाँ पर जनरल से हैं, एससी से हैं, ये आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में नीचे आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन अप्लाई का मोड आ रहा है 12th, और आपके पास में डिप्लोमा है तो आपको लिखना है, अगर आपके पास में बी फार्मा है तो आपको लिखना है 12th प्लस ग्रेजुएशन, उसके बाद में एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद में आपको एग्री करने के बाद ओके करना है और ओके करने के बाद में आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। ये इसका फुल प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है, सबमिट करना है और इसकी जो फीस है वो आपको सबमिट करनी है। फीस सबमिट करने के बाद में जो भी इसका एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको बाय मेल बाय नंबर से आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट करते रहिएगा, देन के आपको उस वेबसाइट पर इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है तो। देन वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इसी तरीके के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।